मैनपुरी के कस्बा किशनी में शमशेरगंज पुलिया स्थित एक बंगाली डॉक्टर के उपचार से एक 4 माह की बच्ची की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस व चिकित्सक टीम को देखकर झोला छाप डॉक्टर अपनी दुकान बंद करके फरार हो गया। दुकान को स्थानीय नागरिकों के देखरेख में इराकी पुलिस व चिकित्सकीय टीम ने दुकान का ताला तोड़कर देखा तो उसमें भारी मात्रा में एक्सपायर डेट एवं नकली तथा दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ है। चिकित्सक टीम ने उक्त जखीरे को कब्जे में लेते हुए चिकित्सक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए झोला छाप डॉक्टर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही है। आपको बता दें कि जनपद शिकोहाबाद के ग्राम किशनपुर निवासी सीताराम अपने पुत्र राहुल के साथ अपने परिवार को लेकर जनपद मैनपुरी के कस्बा किशनी में 3 साल से किराए के मकान में रहकर अपनी आजीविका चला रहा था। राहुल के 4 माह की बच्ची के एक छोटी सी फुंसी निकल आई थी, जिसका उपचार कराने के लिए कस्बा में ही शमशेरगंज पुलिया के समीप स्थित बंगाली झोला छाप डॉक्टर से उपचार कराने के लिए पहुंच गया, जहां उसने इंजेक्शन लगाकर ऑपरेशन कर दिया, जिससे मासूम बच्चे की तबीयत खराब होती चली गई। पूरी रात बच्ची कराती रही। दूसरे दिन मासूम बच्चे की माँ झोला छाप डॉक्टर के पास दोबारा उपचार कराने के लिए पहुंची, जहां डॉक्टर ने उसे दवाई खिलाई, जिसके कुछ क्षण के बाद बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और चिकित्सक टीम को देखकर झोला छाप डॉक्टर वहां से भाग निकले में सफल हो गया। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने वहां मौजूद कस्बा वासियों की निगरानी में दुकान का ताला तोड़कर जमा की तलाशी ली और उसके पास से नकली व एक्सपायर डेट की दवाइयों का जखीरा बरामद किया। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी किशनी प्रदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि दवाइयां कब्जे में ले ली गई हैं। विभागीय कार्यवाही करते हुए झोला छाप डॉक्टर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी और दुकान को सील किया जाएगा। मैनपुर से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। आपका आपका नाम क्या है? सीताराम। ये बताइए, जो बेटी भी है, बच्ची एक्सपायर हो गई है, तो कौन है आपकी? वो नातिन है। क्या? अच्छा, तो कैसे एक्सपायर हो गई? बता रहे हैं दवाई खबाते थे नहीं, मतलब हम तो वहाँ पे थे काम पे जी, और हमारा बच्चा भी काम पे था जी, बहुत ही पुतब, और एक जो बच्ची है छोटी वाली जी जी, इनने ही दवाई खवाई है, दवाई खवाई थे कहने बता रहे हैं, मतलब खत्म हो गई। किसने दवाई दी? किसने दवाई? कौन डॉक्टर है? वो बंगाली था। तो तुरंत ही खत्म हो गई? हाँ। बिटिया कितनी उम्र है? 3-3.5 महीने, 4 महीने मान लो, 3 महीना के 3.5 महीने करीबन। तो अब क्या चाह क्या रहे हो आप? अब मैं बताऊँ क्या बताऊँ बाबू जी। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका, किस पद पर आप तैनात हैं? मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप गुप्ता है, मैं चिकित्सा अधीक्षक के पद पर तैनात हूँ। ये सब क्या मामला था जो छापेमारी से चल रही थी? मेरे पास समय दूरवाद से खबर लगी है कि यहाँ पे किसी 3.5 साल की बच्ची का एप्सिस वगैरह था, तो उसको उसने ये डॉक्टर टी विश्वास के द्वारा, कोई उसको, ये बंगाली डॉक्टर है, तो इनके द्वारा कोई उसको इंजेक्शन दिया गया, उससे उस बच्चे की मृत्यु हो गई। तो फिर हमने और एसओ साहब ने बात करी, फिर हम लोग इधर आए। अब वो यहाँ पे कोई मिला नहीं है, बस जो भी एक्सपायरी दवाइयाँ और जो भी मेडिसिन मिली उसको अपने कब्जे में ले लिया है, अब इसको दुकान को सीज कर रहे हैं। इस पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी? हाँ, और इनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा जाएगा। हाँ, राहुल है। राहुल, आपके बच्चे के साथ क्या घटना हुई है? हमारी बच्ची के साथ ये घटना हुई, हम परसों दवाई लेने गए थे, छोटी सी फुंसी थी, उसको डॉक्टर के और लेवा गए, तो डॉक्टर ने हमें घूस के और उसको बड़ा फाड़ दिया, पता नहीं उस पर हमें देखा नहीं गया, हमने देखा नहीं उसको, फिर देखा नहीं, हम मन से दवाई उसने दी, हम चले आए, उसने एक इंजेक्शन लगा दिया था सुन करने वाला, उस रात में पूरी रात ऐसी सोती रही, तो हमने कही काहे को सही होगी, इसलिए सही है, उठा सवेरे देखा तो सवेरे ही सही लग रही है, उठा फिर शाम को भाई मैडम दवाई लिपाने ले गई, और सवेरे आके ऐसे होएगा, शाम को इंजेक्शन लगा दिया था सुनने वाला। तो कितनी बेटी नाम क्या है? बेटी का नाम मानवी। कितनी उम्र है? 4 महीने। तो क्या आपका आरोप क्या है, डॉक्टर ने कोई लापरवाही की है? जी हमें नहीं पता, शाम हम दबा के लाए थे दवाई, तब तो कल हमारी में घर से लिपा के लाई थी। नहीं, आपको क्या लग रहा है डॉक्टर ने लापरवाही की इलाज में या गलत इलाज कर दिया? हमारी लड़की 2 दिन बिल्कुल सही थी, 2 दिन पहले बिल्कुल सही थी, जब नेक सी छोटी सी फुंसी थी, अब उसे देखना चाहिए था, कहीं कहीं छोटी सी बच्ची के लिए इतनी बड़ी बुक क्यों करें? क्या नाम है डॉक्टर का? क्यों लगाया? नाम हमें पता नहीं, नाम बंगाली बंगाली नाम किसे कहते हैं? क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम क्या कार्रवाई चाहते हैं? नहीं, कोई पुलिस से कार्रवाई चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? क्या लगता है डॉक्टर ने लापरवाही की है आपको बच्चे को देखने में? अगर मेरी लड़की
अगर इसमें नहीं घुसते तो जी लापरवाही नहीं होती। छोटी सी फुंसी का जो कैंची भीतर घुसना इतनी बुथुर हो जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।